बात हल्द्वानी की करेंगे, जहां पर लगातार बारिश होने से शहर में पेयजल सप्लाई करने वाला फिल्टर प्लांट बंद हो गया है। दरअसल बारिश के चलते फिल्टर प्लांट में सिल्ट भर आई है और पेयजल व्यवस्था पूरी तरीके से बाधित हो गई है। वहीं स्थानीय लोग पेयजल किल्लत की वजह से जल संस्थान के ट्यूबवेल समेत कई जगहों से पानी लाने को मजबूर है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि जेसीबी लगाकर फिल्टर प्लांट से सिल्ट साफ कराई जा रही है। जल्द से जल्द शहर में पेयजल की आपूर्ति करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टैंकर और अन्य माध्यमों से पानी की सप्लाई शहर में की जा रही है। वहीं अधिशासी अभियंता पेयजल संस्थान RS लोशाली ने कहा कि युद्ध स्तर पर सिल्ट हटाने का कार्य किया जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी जो रेस्टोरेशन है वो वर्क समय के साथ सभी कराए जाएंगे। पानी की आपूर्ति भी बहाल कराने की व्यवस्था करी जा रही है। अभी क्योंकि प्लांट प्रभावित हुआ है, उसमें नहर में जो कैनाल है, फीडर कैनाल, उसमें भी सिल्ट भर गई है, उसमें पोकलैंड लगाई गई है। सिंचाई विभाग को भी ये निर्देश दिए हैं कि जितनी भी पोकलैंड और JCB मशीनें अवेलेबल हो सकती हैं सब जगह लगाई जाएँ और जो रेस्टोरेशन वर्क है वो पूरे तो सर तो हाँ, नलकूपों की सब सुचारू रूप से चल रहे हैं हमारा, और हम जहाँ जहाँ नलकूप से पानी हो रहा है वहाँ पहुँचा रहे हैं। सर कब तक व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से पटरी पर आ जाएगी? हम यही संभावना कर रहे हैं कि आज साय तक हमें बैराज से कच्चा जो जल है मिल जाएगा। अगर वहाँ से प्राप्त होता है तो हम कल सुबह से दाता से ही हमारे खाना पीना सारा प्रबंध पानी से चलता है, वो सब बंद है और नलकूप का भी पानी हमारे यहाँ नहीं आता है और ये पानी के ऊपर निर्भर है, ये भी बंद हो गया 4 दिन से। अच्छा, आज आप लोग किस तरीके से पानी आप व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था हम यहाँ सर अपने आप आते हैं, यहाँ से टंकी से लेके लाइन लगा के जब मिल जाएगा पानी तो ले जाएंगे। ये व्यवस्था हमारी अपने आप की खुद है। जरूरत है वो 3-4 दिन से नहीं आ रहा है और पाइपलाइन बोरिंग वाली खोदी उसमें एक टाइम भी पानी नहीं आता सर। बहुत समस्या है पानी की। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी हम यहाँ से पानी भर के ले जा रहे हैं सर, बर्तन धोने को पड़े हैं। दिन भर में कितना ले जाते हैं? अभी सुबह ले गए थोड़ा सा, फिर दोबारा से लेने आ रहे हैं सर। हो पाएगा उससे? उससे कहाँ हो पाएगा, शाम को फिर जरूरत पड़ती है, पानी का खर्चा तो अहम है। हाँ सर, आज सुबह से बता रहे हैं बता क्या रहे हैं, बल्कि हमारे तो नलों में से पानी गायब है, बल्कि आज से 3 दिन से गायब है। 3 दिन से लगातार यही जल संस्थान के और हम ये चक्कर ही लगा रहे हैं कि मेरे साथी आए हैं, देखिए साथ में अपना स्कूटी में हम ये 50-50 लीटर के गैलन भर के लेके जा रहे हैं। क्या करना सर, जीवन यापन करना ही है। ठीक है, और अब तो ये मजेदार बात यह है कि यहाँ भी इतना बड़ा ट्यूबवेल हेड है, वो बता रहे हैं वो भी खाली हो गया है। आप लगाइए, जब जल संस्थान के पास अपने पास ही पानी नहीं है तो फिर हमें कहाँ से पानी सप्लाई करेंगे?